हरे कृष्णा। गिरिराज रसोई हेल्थ भी और टेस्ट भी मैं रेखा मित्तल आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज गिरिराज रसोई में हम बनाएंगे खोवा रोटी। ये जो डिजाइनर रोटी आप देख रहे हैं ना, ये राजस्थान का प्रसिद्ध व्यंजन है और ये रोटी बहुत टेस्टी बनती है। इसे हम गैस पे, तंदूर पे, ओवन में बना सकते हैं और अगर अंगीठी में कोयले वाली बनाई तब तो ये बहुत स्वादिष्ट होती है और कई दिन तक रख भी सकते हैं, जैसे कहीं हम सफर में जा रहे हैं तो। चलिए आज मैं आपको ये बनाना सिखाती हूँ। ये देखिए, ये राजस्थान की फेमस खोबा रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेगी वो मैं आपको बताती हूँ। हम लेंगे ये 2 कप के करीब आटा। एक्चुअली मोटा आटा होना चाहिए, लेकिन आजकल हमारा चक्की में पिसा आटा तो होता नहीं है, वैसे मशीनों में पिसा हुआ होता है। तो मैंने इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप से थोड़ी कम सूजी, और आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। इसे मिला ली। 1 टीस्पून के करीब इसमें डालेंगे हम नमक, और 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। हल्दी से ये खोबा, जैसे मैंने डिज़ाइन बताया ना, वो उभर के सामने दिखेगा करके। इसी प्रकार 1/2 टीस्पून हाथ से मसल के हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन हाजमे के लिए अच्छी होती है। और ये कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब इसमें हम मोयन डालेंगे, ये 2 से 3 टेबल स्पून लिया है, बस ऐसे मुट्ठी बननी चाहिए उतना देखेंगे। मैंने घी को पिघला लिया है और घी का ही मोमन डालिएगा, तेल का मोमन अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा भी हमें घी लगेगा जब रोटी बन जाएगी तो उसमें लगाने के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारी मुट्ठी बन रही है, इतना मोयन काफी है, मुट्ठी बननी चाहिए। नहीं बन रही है तो थोड़ा सा घी और डाल लीजिए। और अब इसको कड़क आटा गूंद लेंगे, जैसे गुजराती लोग भाकरी के लिए आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। मैंने 1 कप के करीब पानी लिया है, कितना पानी लगेगा मैं बताऊंगी। और पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे क्योंकि हमें आटा एकदम कड़क लगाना है। इतना कड़क हम आटा लगाएंगे और आटे को खूब मसल लेंगे। बस अब इस हम आटे को ढक के रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। और मेरा 3/4 कप पानी लगा है, इतना पानी बच गया है, ये मुझे लगता है लगभग 1/4 कप। हाँ, इतना आटा लगाने के लिए 3/4 कप पानी लगा, 1/4 कप पानी बच गया है। 10 मिनट हो गए हैं। एक बार आटे को और मसल लेंगे अच्छे से। ये काफी मोटी रोटी बनती है, लेकिन वो लोग अंदर तंदूर में सेकते हैं, जो खोबा की साइड होती है ना डिजाइन वाली। हम लोग या तो ओवन में सेकेंगे या तवे पे, मैं दोनों तरह से सेक के आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप बता रही हूँ ताकि आप आसानी से बना सकें। ये देखिए मैंने इतनी मोटी रखी है, आप साइज देखिए, मोटा रखने का, इतनी, थोड़ी इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन हम गैस पे सेकेंगे तो खोबा, खोबा मतलब खड्डे होते हैं, तो वो जो खोबा में अंदर सिक नहीं पाएगी, इसलिए थोड़ी कम रखिए, लेकिन एकदम पतली मत कीजिएगा, इतनी मोटी तो रखिएगा। अब आइए इसको हम तवे पे डालते हैं। आप लोहे का तवा भी ले सकते हैं, मैंने कास्ट आयरन का तवा लिया है। और हम ये रोटी डाल रहे हैं, एक तरफ से थोड़ी सेक लेंगे, कच्ची सी ही सेकेंगे। और तब तक मैं दूसरी बेल भी लेती हूँ। लगभग मैंने स्लो पे 2 से 3 मिनट छोड़ दी, देखिए कच्ची ही है, इतनी ही सेकेंगे इधर से और इधर से सेक लेंगे। 3 मिनट के करीब मैंने इधर से सेकी है, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ से देखिए काफ़ी सीख गई है, अभी थोड़ी बाकी है, इधर कच्ची है, उसे भी सेकेंगे बाद में। पहले हम इसमें खोबा बनाएंगे डिज़ाइन। तभी देखिए जो कच्ची साइड है, जो साइड सीखी है वो नहीं, जो कच्ची साइड है वहाँ पे, या तो आप चिमटे से
ऐसे डिजाइन करेंगे। और अगर आपके पास तंदूर है तो ये साइड तंदूर में अच्छी सिकेगी। देखिए क्योंकि ये गर्म होती है तो आप ऐसे इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये डिजाइन करिए। इसी को खोबा कहते हैं, ये जो खड्डे होते हैं ना ये डिजाइन। देखिए हमने खोबा कर लिए है, अब इसे वापस गैस पे ले चलते हैं। मैंने गैस को चालू कर दिया है, पहले पीछे से ही सेक लेंगे जहां से कच्ची थी। ये देखिए सेक गई है, अभी और सेकेंगे। पहले थोड़ा इधर से सेक लें, फिर गैस पे भी फ्लेम पे भी सेकेंगे। मैंने 3 मिनट के करीब सेकी, अभी भी ये कच्ची है। अभी इधर पहले पीछे अच्छे से सेक लेंगे। गैस को मीडियम टू लो ही रखेंगे। ये देखिए अब अच्छे से सिक गई है, अब इसको फिर से इधर सेकेंगे उल्टी साइड। ये देखिए काफ़ी सिक गई है, अब हम इसे गैस पे सेकेंगे। कास्ट आयरन का तवा है इसलिए इसे केयरफुल्ली गर्म हो जाता है, हैंडल को ऐसे नहीं पकड़ सकते। अब इसको हम गैस पे सेक लेंगे। अगर ओवन तंदूर कुछ नहीं है तो भी ये गैस पे भी बहुत अच्छी बनती है, बस स्लो आंच पे सेकेंगे ताकि हर तरफ से ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए 2-3 मिनट में ही ये सिक गई है। देखिए पीछे से तो अच्छी सिक गई एकदम, आगे से भी हो गई है। ये साइड के भी सेक लेंगे, ये साइड भी ना सिकने चाहिए धीमी आंच पे। हमारी रोटी बन के तैयार है। आइए अब मैं आपको हाथ से खोबा बनाना बताती हूँ। ये तो मैंने चिमटे से बताया था, वो प्लकर जो होता है आईब्रो प्लक करने का, वो नया लेके उससे करेंगे तो बहुत सुंदर डिज़ाइन बनेगा। मेरे पास तो वो है नहीं, मैं भी आपको हाथ से दिखाती हूँ। चलिए ये रोटी हटा लेते हैं। ये देखिए वही गैस पे मैंने इस तरफ से सेक ली और इधर से कच्ची रखी है। और अब मैं इसे हाथ से पिंच काटना कहते हैं, पिंच भरना, चूटी काटते हैं ना ऐसे। सब लोग हाथ से नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये गर्म होती है, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है इसलिए मैं कर पा रही हूँ। मैंने ओवन को चालू कर दिया है 200 डिग्री सेल्सियस पे या 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखी है। ये देखिए मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है, अब इसको गैस पे ले चलते हैं। देखिए बस इसको मैं पीछे की तरफ से थोड़ा सेक लेती हूँ, फिर इसको हम ये ऊपर की साइड तंदूर उसमें करेंगे ओवन में। मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, उसमें 5 मन पेपर रखा है और अब इस पे ये मैं उतार लूँगी। अगर पीछे से इसे गैस को बंद कर रही हूँ, पीछे से थोड़ी कच्ची है लेकिन वो भी ओवन में सिक जाएगी अच्छे से। इसको मैं ऐसे रख रही हूँ, मैंने ओवन को पहले से ही चालू कर दिया था और अब मैं इसे ओवन में रख रही हूँ। और 10 मिनट के लिए इसे हम बेक करेंगे। ये देखिए ओवन वाली भी मैं निकाल लाई हूँ, बन के तैयार है। पीछे से देखिए कितनी अच्छी सीखी है। और ये और अब इसे गरम गरम को हम घी पिला देंगे। अच्छे से घी लगाइए, ये इसमें डाल दीजिए। जैसे कि आप जितना घी डालेंगे उतना ही स्वाद ज़्यादा आएगा और ये सारा घी पी जाएगी रोटी। मैंने अच्छे से एक एक टेबल स्पून के करीब घी इसमें एक एक रोटी को पिला लिया। ये जो हमने गैस पे सेकी थी दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बस ये थोड़ा ज़्यादा काली हो जाएगी गैस वाली, क्योंकि वो डायरेक्ट ऐसे हीट पे जाएगी उसके ऊंचे पार्ट ना। इस तरह हमने ये बना के तैयार कर लिए। बस इसी तरह मैं तीसरी रोटी भी बना लूँगी। और इसे खाते कैसे हैं हम मारवाड़ी लोग वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारी रोटी बन के तैयार है, वो गर्मा गर्म ही परोसिए, बहुत अच्छी लगती है। मैंने तीसरी रोटी भी सेक ली है,
इस तरह ये हमारी तीनों रोटियां बन के तैयार है। ये गैस की बनी हुई है और ये दोनों मैंने ओवन में सेक की है। अब इसे खाते कैसे हैं? मैं तो इसे ऐसे ही तोड़ के बिस्किट की तरह खा जाती हूँ, लेकिन राजस्थान में इसको ऐसे खाते हैं। देखिए मैं बताती हूँ आप, इसको एकदम चूरा कर लीजिए, एकदम चूरा करके ये बहुत स्वाद लगती है। अब इस पे छिलके वाली मूंग की दाल डालते हैं। और कोई चम्मच वम्मच का इसमें कोई काम नहीं है, बस इसे ऐसे हाथ से मसल मसल के इसे खाते हैं ये, और बड़ी स्वादिष्ट लगती है। अगर आपको मेरी ये खोबा की रोटी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सबसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। हरे कृष्णा।